वेलकम टू लास्ट सॉल्यूशंस। मेरा नाम उस्मान है और आज हम लोग देखने वाले हैं इंजीनियरिंग ड्राइंग में कौन सी चीजें अपने को यूज होती हैं, जैसे कि स्केल हो गया, रोलर स्केल्स हो गए, फिर ड्राफ्टर हो गया, फ्रेंच कर्व हो गया, राउंडर, रोलर, जो भी है सब चीज देखेंगे आज के वीडियो में। और उनको कैसे इस्तेमाल करना है, पेंसिल कैसे इस्तेमाल करनी है, कितने तरीकों के, मतलब सर लोग बोलेंगे यार कितने तरीके की पेंसिल्स होती है और आपको एक ही पेंसिल कैसे कैसे यूज करनी है। बट मैं आपको एक सॉर्टेड वे बताऊंगा कि एक ही पेंसिल से आप कैसे अपने ड्राइंग को कंटिन्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो आज अपन देखने वाले हैं सब कुछ। तो बेसिकली ये सारे अपने कंपोनेंट्स हैं, ठीक है। तो ये अपना सादा पट्टी जिसको अपन स्केल बोलते हैं, ये रोलर स्केल हो गया, ये अपना हो गया फ्रेंच कर्व, ठीक है, ये क्यों यूज़ करते हैं बताऊंगा मैं, और ये रबर, राउंडर, ठीक है, पेंसिल। अभी आपको सर लोग बोलेंगे कि बहुत सारे टाइप की पेंसिल होती है, HB, 2HB, जो भी है। मैं प्रेफर क्या करता हूँ, मैं एक ही पेंसिल यूज़ करने का पेपर में, ताकि मतलब आपको बहुत सारी पेंसिल सर लोग बोलेंगे यार यूज करो ये, सही ये पेंसिल इस लाइन के लिए यूज करो, वो पेंसिल उस लाइन के लिए यूज करो। बट मेरा प्रेफरेंस क्या है कि एक पेंसिल आप बहुत सारे तरीकों से यूज कर सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे करना है, ठीक है। वो हो गया, और ये तो इसका लेड है, ठीक है, कोई नहीं। और ये अपना ड्राफ्टर मेन चीज जो काम आने वाली है, अपना पेपर सबको पता है पेपर पे बनाना है एग्जाम में। अब दो पॉइंट होते हैं भाई बनाने के। पहली बात, आप क्लास में बना रहे हो, एक बुक होती है आपके पास, स्केच बुक जिसको बोलते हैं, ठीक है, उस पर आपको सर बोलेंगे कि भाई इस पर आपको बनाना है। और एग्जाम में स्केचबुक नहीं होती, ठीक है, एक बड़ा सा पेपर दिया जाता है ऐसा, उस पर बोलते हैं भाई बनाओ, आ जाएगा एक पर्चा क्वेश्चन पेपर का, और आप बोलेगा भाई ये सब क्वेश्चन है, आपको इसको बनाना है इस पेपर पे, डन। तो आपको यूज क्या करना है, तो पहली बात ड्राफ्टर कब यूज करना है, रोलर कब यूज करना है। तो जब आप क्लास में हो, बुक पे आप जब बना रहे हो, तब आप ड्राफ्टर की यूज नहीं करोगे, क्योंकि आपकी बुक जो है वो स्टेडी नहीं होगी, ठीक है, वो आप चिपका नहीं रहे हो, यहाँ क्लिप्स लगाते हैं यहाँ पर, ठीक है। जब अपन एग्जाम में यूज करते हैं इसे, किसे ड्राफ्टर को जब यूज करना होता है एग्जाम में, आप रोलर स्केल भी यूज कर सकते हो, बट प्रेफरेंस क्या है ड्राफ्टर के लिए, क्योंकि आप इसको एंगल्स में भी सेट कर सकते हो। यहाँ पर कैसे करना है बताता हूँ, ठीक है। तो ड्राफ्टर की यूज करते हैं एग्जाम में, ताकि आपका एंगल्स जो भी लेना होता है स्केल पे, ठीक है, फिर बोलते हैं ना कि पैरेलल लाइन से शिफ्ट करना होता है। अभी रोलर को आप शिफ्ट कर सकते हो, बुक में यूज करते हो, देखो मैं दिखाता हूँ। पहली बार आपको कैसा करना है, लाइन कैसे बनानी है, तो पहले तो आपको जो रोलर का जो नीचे का ये लाइन होती है, ये वाली लाइन, ठीक है, ब्लैक वाली लाइन, उसको सेट करना होता है ऐसे, या तो आप ऐसे सेट कर लो, ठीक है, किस पे, पेज के बॉर्डर से पैरेलल होने चाहिए एक दूसरे से, फिर आप उसे उठा के पीछे की तरफ लाओ और फिर एक सीधी लाइन मारो ऐसे पेज के सेंटर में, ये होती है आपकी रेफरेंस लाइन। अब इसके हिसाब से अभी सेम आप ऊपर के लिए भी करो, ऐसे ऊपर के लिए भी रखो, ठीक है, और फिर उसे उठा के पीछे लाओ और फिर ऐसे मारो, डन। ये आपकी रेफरेंस लाइन दी पेज पे। अभी इसको यूज करना है आपको, फिर रोलर स्केल ड्रैग करना है, ये करना है, वो करना है। बट जब आप ड्राफ्टर यूज करते हो, तो आपको क्या करना रहता है, इस भाई साहब को यहाँ पर सेट करना होता है ऐसे, ठीक है, ये सेट हो गए एक बार। फिर सेट करने के बाद इसको होती है बारी कैलिबर करने की, मतलब इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा एरर्स होते हैं कुछ कुछ ड्राफ्टर में, कुछ कुछ बहुत सॉर्टेड होते हैं, सही होते हैं, बट किसी किसी में एरर होता है, जैसे कि अभी मैं इसमें बताऊंगा एक एरर है, देखना आप, ठीक है। यहां पर देखो, अभी ये पेज के मैं यहां नीचे ले जाऊंगा, ठीक है। अब आप इस पॉइंट को देखो, ये वाला लाइन, ये जो एक लाइन दिख रही है आपको यहां पर, ये जीरो से कोइंसाइड नहीं कर रही है ना, कितने का एरर बता रहा है, 2 का एरर बता रहा है, 2 डिग्री का एरर, ठीक है। तो ये जब एरर आता है, तो आपको इसको टाइट कर देना है, आप सॉर्टेड, ये टाइट हो गया, लाइन पैरेलल है इसको, देखो ये प्लेन, ये लाइन और ये जो बुक की लाइन, जो पेपर की लाइन है वो पैरेलल है, ठीक है, मतलब आपका ये लाइन असली लाइन आपको यूज करना है पूरे पेपर में। बट कितने डिग्री का एरर आया इसमें, 2 डिग्री का, मतलब जब भी आपको कुछ कोई भी एक एंगल बनाना है इससे, जैसे भी आपको अगर 45 का एंगल पे लाइन बनानी है, तो आप क्या करोगे, 45 का एंगल नहीं लोगे, आप लोगे 47 का नीचे की तरफ से ऐसा 47, क्यों, क्योंकि 2 डिग्री का एरर था। क्या लूंगा मैं, 47 का लाइन लूंगा, 40 45 46 47, तो ये है आपका 47 का लाइन, मतलब ऐसे। तो आपको क्या करना है कि अगर आपका एरर है, तो इस तरह से सॉल्व करना है, दैट्स इट, और कुछ नहीं करना है। तो ड्राफ्टर क्यों यूज करना है, क्योंकि ड्राफ्टर आपको एंगल्स पे लाइन बनाने को देगा, रोलर नहीं देगा। आपको क्या यूज करना पड़ेगा, प्रोटेक्टर यूज करना पड़ेगा, फिर एंगल सेट करना पड़ेगा, फिर लाइन खींचनी पड़ेगी। तो इससे अच्छा कैसे है, इसको एंगल पे सेट कर सकते हो, डायरेक्ट लाइन खींच सकते हो। तो बेसिकली मैं एक चीज आपको बोलूंगा कि जब आप क्लास में बुक पे बना रहे हो, स्केच बुक पे, तो आप रोलर यूज कर सकते हो, वही यूज करना है, ठीक है। सेट स्क्वायर का वो सब मत करो, सेट स्क्वायर भी बोलते हैं कोई कोई सर यूज करने के लिए, पर वो सब यूज नहीं करने का,
यूज करने का तो रोलर यूज करने का क्लास में, बट जब एग्जाम की बारी है तो ड्राफ्टर इज मस्ट, कि आपको बहुत इजी कर देता है टास्क, क्योंकि पैरेलल लाइंस हो गई उसके थ्रू आपको उसको लेने का। जैसे अगर मुझे यहां से एक और आगे रोलर से एक पैरेलल लाइन बनानी है, इसे इधर आगे की तरफ बनानी है, ठीक है, ऐसे बना दिया। बट कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी आपका दोस्त बुला लिया आपको एग्जाम में, ऐसा धक्का दे दिया, तो क्या होगा, ये सब टाइम पे थोड़ा सा हिल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा, आपको क्या लगेगा कि भाई हिलानी है मेरा ये चीज, ठीक है, बट थोड़ा सा हिल जाता है और पता भी नहीं चलता, आप लाइन लाइन खींचते चले जाते हो, बाद में जब प्रोजेक्शन लाइन बनाने की टाइम आती है ना, तब एरर आ जाता है। तो इसमें क्या होता है, आपको हिला भी देगा दोस्तों, क्या आप करोगे, वापिस से ले जाओगे, वापिस ऐसा कर दोगे, ठीक है, तो इसमें कुछ इश्यू नहीं रहता है, उल्टा ये सॉर्टेड चीजें रहती हैं, तो इसे यूज करने का। अब आपको बोलेंगे ये स्केल तो यूज नहीं होता है, ठीक है, पेपर में वर्थलेस है ये चीज, इसे लेके नहीं जाने का। अब फ्रेंच कर्व हो गया, मैं बताऊंगा पेंसिल के बारे में, पर पहले अपन फ्रेंच कर्व के बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंच कर्व यूज कब करना है, कैसे करना है, तो समझो मुझे एक बॉक्स बनाना है, मैं एक सर्कल बनाना है, क्या बनाना है, एक सर्कल। तो पहले मैं क्या करता हूं, पहले एक मिनट सेट कर लेते हैं इसे, अच्छे से एक सर्कल बनाएंगे। तो एक सर्कल कैसे बनाते हैं वो मैं आगे के वीडियोस में बताऊंगा, बट इधर फ्रेंच कर्व यूज कैसे करते हैं वो बताने के लिए मैं कर रहा हूं, ठीक है। अभी देखो, अब मुझे इसके अंदर एक सर्कल मतलब कर्व बनाना है, मैं क्या करूंगा, इसका सेंटर पॉइंट क्या है, 2.5, क्योंकि 5 लिया था मैंने, अब देखो मुझे ये पॉइंट और ये पॉइंट ज्वाइन करना है, समझो, ठीक है, कौन सा पॉइंट, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट मुझे ज्वाइन करना है, ठीक है, एक कर्व बनाना है उसके थ्रू। तो मैं कैसे करूंगा, तो ये फ्रेंच कर्व रखूंगा, अब देखो ये नहीं हो पाएगा ज्वाइन, है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर का हिस्सा नहीं यूज कर सकते, इसी अंदर का हिस्सा यूज करने के लिए नहीं होता, जैसे आप बोलोगे ये दिया है कर्व तो इसको यूज करने का, इसको और ये सब नहीं, ये सब हलवा नहीं है, ठीक है, ये सब दिया है यूज करने के लिए दिया है, क्या करने का, ऐसा रखने का, ये कर्व जो होता है ना पॉइंट के ऊपर से ऐसे जाना चाहिए, मतलब समझ जाओ मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है, समझ जाओ यार, इतना तो समझ ही सकते हो, ठीक है, तो ऐसे रखने के लिए ऐसा कब बनता है, ठीक है। तो ये सारी पूरा ये फ्रेंच कप जो होता है ना इसे पूरा इस्तेमाल करना होता है, ना कि सिर्फ ये चीजों को, ठीक है, फुल फ्रेंच कप यूज करने का, कैसे, ये इसीलिए दिया होता है, ये हो गया। अब मैंने क्या बोला, पेंसिल, अभी आपको बोलेंगे ना सर लोग कि भाई दो तीन तरह की पेंसिल है, एक लाइट लाइंस मारने के लिए, एक एकदम गाढ़ी लाइंस मारने के लिए, तो वो कैसे यूज करने का, तो मेरी बात मानो, देखो आपको प्रोजेक्शन लाइन बनानी होती है वो तो हल्की बनानी होती है, मतलब कोई एक पेंसिल होती है 2H क्या कोई तो होती है, मुझे नाम नहीं पता है, तो क्यों, क्योंकि मैंने वो चीज कभी यूज नहीं की। मैंने क्या किया कि कभी आपको प्रोजेक्शन लाइन बनानी है तो आप पेंसिल को हल्के हाथ से पकड़ोगे और बस ऐसे खींच दोगे तो हल्की लाइन बन जाती है। अब वही आपको सॉलिड लाइन बनानी है तो क्या करोगे, कुछ नहीं, दबा के लाइन खींच दो, समझ गया मैं क्या बोल रहा हूं। तो आपको ऐसे 10 तरह की, दो तीन तरह की पेंसिल यूज नहीं करनी है पेपर में, ऐसे आप स्विच करते रहोगे पेपर के बीच में, वो बेवकूफ लोग करते हैं, ठीक है। स्मार्ट वर्क क्या करने का कि भाई पेंसिल लो हाथ में, प्रोजेक्शन लाइन बनानी है भाई हल्के हाथ से पकड़ो, खींच लो, हल्की लाइन बनी। अब आपको सॉलिड लाइन बनानी है, रखो भाई जहां पर सॉलिड बनाना है उसको गाड़ी मतलब दबा के खींच दो ना, कुछ प्रॉब्लम थोड़ी है, सेम आ रहा है, ठीक है, रिजल्ट सेम है, भले आप कोई और चीज यूज करके लाओ, ठीक है, बट रिजल्ट सेम आ रहा है। तो बेसिकली अपने क्या क्या आज देख लिया कि भाई रोलर स्केल यूज कैसे करना है, यूज कैसे करना है मैंने बताया, लाइन पे पहले तो पेपर के एज पे रखने का, किसको, ब्लैक लाइन को, ठीक है, रखा, फिर इसको उठा के पीछे लाने का, पब्लिक सरका के लाती है भाई, ऐसे ऐसे नहीं लाते, क्यों, क्योंकि ये हिल जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा, महसूस तो हो जाएगा हिल गया है, ठीक है, अगर आप बोलोगे नहीं हिला नहीं हिला तो पर हिल जाता है, तो इसको उठा के ऐसा लाना है, रोलर इसीलिए दिया है ये नीचे, ठीक है, इसको उठा के ऐसे लाना है, फिर आपको कहीं भी लाइन मानना है मानना है। और ये कहाँ यूज करना है, बुक के लिए, स्केच बुक पे इसको यूज करना है, और इन भाई साहब को एग्जाम में कंपलसरी यूज करो भाई, एडवाइस की तरह लेके चलो कि भाई इसे ही यूज करो, ये बहुत चीज अच्छी है, पेपर में बहुत काम आती है, ठीक है, रोलर बिलर कुछ काम नहीं आता पेपर में, यही चीज काम आती है पेपर में।
ये हो गया फ्रेंच फ्राइज, आपको देखा क्या क्या करने का, कैसे करने का, कब बनाने के लिए यूज कर देगा। दो तीन पॉइंट्स भी होते हैं कभी कभी, यहाँ कहीं पे पॉइंट होगा तो उसको कैसे बनाते हैं, वो भी इन बाइसेप्स से बनाते हैं, ठीक है। तो वो सारी चीजें फ्रेंच कप कर्व्स के पार्ट्स में फ्रेंच कप को ही यूज करना है। फ्रेंड बोलते ना फ्री हैंड कभी नहीं बनाना ऐसा। आप सोचोगे भाई ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, इसको मैं ऐसा ज्वाइन कर दू, सामने जो मॉडरेटर बैठा ना बेवकूफ नहीं है, वो भी आपके आपके थ्रू ही गया है, पहले वो भी स्टूडेंट ही था, ठीक है। तो उसको भी पता है कि कौन सी चीजें हाथ से बनी है और कौन सी चीजें फ्रेंच कर्व से बनी है। ये हो गया अभी राउंडर के क्यू क्या, सबको पता है राउंडर क्यू यूज होता है। अभी मुझे सर्कल बनाने को डिस्टेंस का, तो मैं क्या करूंगा, छोटी पेंसिल लूंगा ना कि बड़ी पेंसिल लूंगा, क्यों, क्योंकि वो तो पता चल जाएगा आपको क्यों नहीं लेते, ठीक है। क्योंकि जब भी आप वैसे सर्कल बनाते हो ना इस तरह से, समझो मेरे को यहाँ सर्कल बनाना है, बन गया। अब ये सर्कल अगर आपका बड़ा पेंसिल होता, मैंने क्या पूरा ऐसा घुमाया ये राउंडर को ऐसे, बड़ी पेंसिल होती ना तो क्या होता है पता है, ये चीज ना यहाँ लड़ती आके, देखो दिखा देता हूं मैं, चाहिए तो ये शायद ही फिट होगा यार इसमें, मुझे नहीं लग रहा फिट होगा, नहीं फिट होगा, पर समझ जाओ थोड़ा सा कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अगर समझो ऐसा होगा ना, ये बड़ा पेंसिल है तो आप इसको पूरा नहीं घुमा सकते क्योंकि हाथ यहाँ पर लगता है, तो क्या होता है उससे जो आप जो बनाना चाहते हो ना सर्कल, वो बराबर नहीं बनता, बोलते ना ये पॉइंट हिल जाएगा नीचे से, ये हिल जाएगा, ठीक है। इसलिए कभी भी छोटी पेंसिल यूज करना, यही चीज है। और जो भी चीजें अपन जो सम देखेंगे ना उसे अपन कर लेंगे, ठीक है। तो और मेन इंपॉर्टेंट बात क्या थी, ये चीज फालतू होती है यूज नहीं करने का, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं जो यूज करना है, और जो नहीं यूज करना है वो ये, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही।